प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रीमती चरणजीत कौर टिल्लों, डायरेक्टर दुमका पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड करियार वाला रामपुरा फूल। श्री गगन बांसल, डायरेक्टर माउंट लिटरल डी स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड रामपुरा फूल। श्री कमलेश राव, चेयरमैन ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड बठिंडा रोड रामपुरा फूल। 75वें आजादी दिवस मौके पंजाब विच सुतंत्रता दिवस का राज पदरी समागम अमृतसर विखे आयोजित किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों इत्थे झंडा लहराउण की रसम अदा की गई है। समारोह दे विच स्टेट अवार्डीज़ नूं भी सन्मानित किया गया। इस दे नाल ही जोड़ा फाटक रेल हादसे दे विच मारे गए 34 लोगों के आश्रितों नूं नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए ने। गुरु नानक स्टेडियम दे विच होने वाले प्रोग्राम के मद्देनज़र सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए सन। आजादी दिहाड़े के मौके कैप्टन दे वल्लों कई अहम ऐलान किए गए ने। ग्रामीण लिंक सड़कों के लिए 1200 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। आजादी दिहाड़े के इस मौके से DGP दिनकर गुप्ता, पंजाब के मुख्य सकत्र विनी महाजन, डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल विशेष तौर पर मौजूद रहे। अज मैं क्या कहना चाहना है कि वो जो लोग ने उन्होंने बारे उन्होंने ताकि पंजाबी याद रखन किन्होंने ये लोग से साढ़े जिन्होंने अपना जंग लड़िया और अंत में उत्थे पूरे होए उन्होंने बारे असी एक पंजाब दे विच एक मेमोरियल बनाना है और कला कला नाम जो उत्थे काला पानी दी सज़ा गए से उन्होंने नाम एलान देना पड़ा ताकि याद रखन लोग नहीं तो आने आने वाली पीढ़ी को यह भी नहीं पता होना लगेगा कि की लड़ाई हुई, कौन गए कौन नहीं। जब मैनू नहीं पता कि वो कौन से इन्हों की पता लगेगा रोन वाली पीढ़ी को ही नहीं पता लगेगा। इस करके जरूरी है कि असं उन्होंने याद रखिए और वो दिन जिहड़ा अज असी मना रहे 75 साल बाद प्राप्ति जो हुई सी उदों वो उन्होंने कुर्बानियां सी उन्हां दियां ते होर इन्ने लोग इंसान सी पता नहीं किन्ने मारे गए अपने जेलों के विच रहे की कुछ होए साढ़े लीडर जिहड़े इस लड़ाई दे विच पए किस तरीके नाल उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी जेलों च गए अंग्रेजों के सामने उन्होंने कानून के सामने उन्होंने नाल जिहड़ा कुछ होया सारी दुनिया जान गया। अज उन्होंने असी उन्होंने धन्यवाद है साडा असी उन्होंने श्रद्धा के फुल भी भेंट करते हैं और असी हर वेले यही समय के सच्चे पातशाह उन्होंने वो पवित्र आत्मावान जिन्होंने अपने देश की आज़ादी वास्ते अपनी कुर्बानियां दीतिया ने वो अपने चरणा से सदा वास्ते की चाहते कि साडा देश तैयारी चाहे अंग्रेज कटे जान और अज 75 साल हो गए ने कि जब तो ये गल हुई है असी अपना संविधान बनाया असी अपने देश को अगे लेके जा रहे हैं। कोई नहीं समझ सकता सी उस जमाने कि किस तरीके नाल अपना देश अगे वधूगा। अज ये हो गया कि दुनिया दे विच हिंदुस्तान नूं अज मन्या जाता है कि ये भारत ये भी एक आर्थिक तौर पर भी और हर पक्षों इहदी जगह है दुनिया दे विच लोग जिहड़े इत्थे दुनिया दे विच बाहरले मुल्कां दे विच जिहड़े लोग इहदे बारे सोचते ने वो इस गल नूं पछाणदे ने कि हिंदुस्तान बहुत अच्छे तरीके नाल तरक्की की है उन्हें और अगे बढ़े ते अज आपां नूं याद रखने ने शहीद भगत सिंह जी नूं, सुखदेव जी नूं, राजगुरु जी नूं, शहीद उधम सिंह जी नूं जिन्होंने गवर्नर जो रहे सी उडायर ब्लैकस्टन हॉल दे विच जाके उहदा खात्मा कीता सी क्योंकि उहदे हुक्म नाल ਇਹ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਗ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਂਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ DC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਕੜੇ ਸੇ 488 ਪਿੰਡ ਉਹ 488 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
अपने पिंडां 'च गए जख्मी हो के उत्थे ही पूरे होए, कोई याद नहीं सी। लेकिन यह पिंडां दा नाम याद सी, वह पिंड है 488 अगर पिंड ने तो 488 तो उपर ही ज़्यादा नंबर उन्हां दी नफरी हो सकती है जिन्होंने ना उत्थे अपनी शहादत दी। पर इत्थे किसी ने कोई 200 कहना है, कोई 400 कहना है, कोई 500 कहना है, ये तो होर रिसर्च की लोड़ है और असी करांगे देखांगे कि कित्थे कित्थे होर बंदे दा नाम सानू मिल सकता है जिन्होंने अंतिम संस्कार किया। फिर आया देश का बंटवारा, किन्ने लोग उहदे विच शहीद होए वह भी आपां सारे जानते हैं, वह दसण की लोड़ नहीं, पर उहदा नुकसान होया साडे मुल्क नूं। सारे उधरों पंजाब चो इधर उधर पाकिस्तान तो जिहड़ा हुण पाकिस्तान है उत्थों लोग इधर आए, इधरों लोग उधर गए। उहदे दौरान जिहड़ियां कुछ लोगों दीआं इत्थे मौतां होईआं ने इहदा भी कोई आंकड़े नहीं है, पता नहीं कितने होते होंगे। ये शुरू शुरू च ही साडे मुल्क नूं आज़ादी तों बाद इहदे विच दी नज़र इहदे विचों गुजरना पिया। और अज ना भुलिए वो लोग जिहड़े 1947 की लड़ाई च कश्मीर च अपने पंजाबी उत्थे शहीद होए, या फिर 1965 चीन दे नाल, फिर 65 पाकिस्तान दे नाल, फिर साडे बंदियां ने बंगलादेश रहा कराया और उत्थे भी शहीद होए, फिर कारगिल 1999 विच। ये सारियां गल्लां उस आज़ादी नूं जो साडे बजुर्ग लैके आए उहनूं बरकरार रखण वास्ते अपनी कुर्बानियां दित्ती, उन्होंने भी अज याद रख। तो अज इस खुशी के दिहाड़े से जो 75वां आप दिन मना रहे हैं, ये गल मैं आपको दसना चाहता सी। कानूनी अवस्था बड़ी तकड़े तरीके नाल असीं रख रहे हैं, इत्थे साडा गुआंढी मुल्क कदे मौका नहीं छड़दा और हर वेले कोई ना कोई हेरा फेरी करन दी कोशिश करदा और गड़बड़ करन दी कोशिश करदा है। आ ड्रोन तुसीं सुनदे रहिंदे हो अखबारों दे विच, हथियार भेजे जांदे ने, RTX भेजी जांदी है, ग्रेनेड भेजे जांदे ने, चिट्टा भेजा जांदा है, हेरोइन, और ये सारियां चीज़ां इन्हां दी मेहरबानी है जो साडे गुआंढी ने। और असी बॉर्डर स्टेट, 600 किलोमीटर साड़ी बॉर्डर रह लगती पाकिस्तान के नाल, तो सानू हर वेले एहतियात होना पड़ता और साड़ी पुलिस पूरी डट के लगी हुई है, उन्होंने नाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी है और पिछे उन्होंने फौज है। अगर ये तो गड़बड़ कराने की कोशिश करे तो इन्हें पाकिस्तानियों को पता लग जूगा कि हिंदुस्तान की चीज़। अज पूरा देश 75वां आजादी दिहाड़ा बड़ी धूमधाम के नाल मना रहा है। इस तहत जलंधर के आजादी दिहाड़े के मौके पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम के कौमी झंडा लहराया। दस्योग है कि अमृतसर स्टीफन बंब तो बाद हुन हैंड ग्रेनेड मिलन नाल कमिश्नरेट पुलिस ने जलंधर शहर के सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए ने। शहर की सुरक्षा करीब 2000 के मुलाजमान के हाथों के रखी गई है। आजादी दिहाड़े के मद्देनज़र स्टेडियम की सुरक्षा के लिए सख्त प्रबंध किए गए हैं। मेंबर पार्लियामेंट संतोष करौली जी, आदरणीय बड़े साथियों, मेयर ऑफ जलंधर जगदीश राजा जी, सारे सत्कारयोग MLA समान, साडे डिस्ट्रिक्ट जलंधर के डिप्टी कमिश्नर कान श्याम थोरी जी, साडे पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह प्रधर जी, सारे स्टेट के ब्रांडर ऑफिसर कमान, प्यारे पंजाब वासियों, अज असीं 75वां आजादी दिवस मना रहे हाँ। इस मौके पर मैं आप सबू हार्दिक बधाई देता हाँ। गदर लैब, कूका लैब, गुरद्वारा साहब लैब, पड़ी समाज लैब, पातशाह अंदोलन,
देश भर के अज 75वां आजादी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। आजादी दिहाड़े के इस मौके पर बठिंडा के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के वलों झंडा लहराने की रस्म अदा की गई तो परेड तो सलामी ली गई। आजादी दिहाड़े मौके लोगों को संबोधन करते हुए मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब विच ठेके के आधार पर काम करते कर्मचारियों को वड्डी सहूलत दी है। उन्होंने बोलदिया होया कहा कि आने वाले विधानसभा सैशन के दौरान ठेके के आधार पर काम करते कर्मचारियों को रेगूलर कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में यौम आजादी के मैं दिली तौर पर रस्मी तौर पर सारे देशवासियों मुबारकबाद पेश करता है। आजादी एक अजीम नेमत है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, और गुलामी तो वड्डी दुनिया से कोई एडू वड्डी लानत नहीं। आजादी का एक साह गुलामी ने हजार साल की जिंदगी तो बेहतर है, और अंग्रेज इस मुल्क दे विच व्यापार करने के अंदाज नाल आया और इस मुल्क दे हुक्मरान बन बैठा। इतों के अनमोल खजानिया की लुट घसुट ने पैदा शुरू कर दी, और 15 अगस्त का दिन ये मंजिल आप एवें नहीं पहुंच गए, लहू के दरिया तय किए हैं। आजादी का दीवा एवें नहीं रोशन होया, लखा इस देश के बेटे बेटिया ने अपनी दीवे ते तेल की थां ते अपना लहू पेश किया, फिर जाके 15 अगस्त का सूरज चढ़ते देखा। 1757 के लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला प्लासी के मैदान के हरा के हिंदुस्तान का एक बड़ा दरखेज इलाका बंगाल ते बिहार ते कब्जा कर लिया। निजाम हैदराबाद की गद्दारी की वजह नाल हिंद की तलवार टीपू सुल्तान नू शहीद करके अंग्रेज दक्कन का हुक्मरान बन बैठा, और हिंद की तलवार टीपू सुल्तान दे कौल सीगे क्योंकि उन्होंने जेडे साथी से कहते अंग्रेज के सामने घुटने टेक दिए। तो टीपू सुल्तान ने कौल सी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्दड़ की 100 बरस की जिंदगी तो बेहतर है, और पंजाब की मट्टी ने भी इतों के नौजवानों की अणख में झंझोड़िया। तो कि बाबा राम सिंह वालों चलाई गई कूका तहरीक की शकल दे विच, कि गदरी बाबिया की शकल दे विच, किदे करतार सिंह सराबा की शकल दे विच, किदे लाला लाजपत राय की शकल दे विच, ते किदे शहीद उधम सिंह की शकल दे विच पंजाब के गभरू धरती मां का दुध का कर्ज अदा करने के आए। ते देश के दीवाने आजादी के नायक और आजादी की तहरीक के बेताज बादशाह शहीद आजम भगत सिंह ने 70 दिन लाहौर की जेल के भुख हड़ताल की, और जो रोटी नहीं खाते तो अंग्रेज उन्होंने बैंत मारिया करता सी, ते जो बैंत वजते भारत नौजवान सभा के जोड़े सपूत सी वो इको ही गाना गाया करते कि मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। तो जो 23 मार्च 1931 शहीद आजम और उन्होंने साथियों फांसी से लटकाने वास्ते लेके गए तो शहीद आजम के कदमों में कदे लर्जिश नहीं आई। तो जोड़ा अंग्रेज मजिस्ट्रेट सीगा लाहौर जेल के शहीद आजम ने उन्होंने कहा कि तुसी खुशकिस्मत लोग हो, तुसी अपनी अखा ना देख रहे हो कि भारत मां के क्रांतिकारी अपने असूलों की खातर किवें हसते हसते मौत की आगोश के विच जाते हैं। और भारत नौजवान सभा के इन्हां सपूतों की कुरबानी करके देश के विच इक अग लग गई, और लखां इस देश के बेटे बेटिया ने अपने दुनियावी सुखां नूं अग ला के इस देश की तकदीर अपने खून नाल लिखती। और दोस्तों अज मैं जिथे थोनू वधाई देण वास्ते आया
मैं थोनू यह भी गल कह के जाऊंगा कि शहीदों के नक्शे कदम से चलना तो बड़ी दूर की गल है। असी तो उन्होंने जिंदगियों भी भूलते जाते हैं। अज इस मुकद्दस के मुबारक दिन से और मैं लगता है कि पंजाब के विच और पंजाब के विचों भी शायद एको ही मुकाम है बठिंडे का मुकाम। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अपने संबोधन दे विच कहा कि कांग्रेस सरकार दे वलों अपने चार साल दे इस कार्यकाल दे दौरान पंजाब विच खर्चे घटाए गए ने। उन्होंने कहा कि 22 साल बाद ओ दिन आ गया है जदों पंजाब दा बजट हरियाणा दे मुकाबले हजारां करोड़ रुपए खर्च नहीं करेगा, जदों कि पंजाब सरकार पूंजी ते 14,000 करोड़ खर्च करेगी। अज पूरे भारत विच देश की आजादी की 75वीं वरेगंढ बड़ी धूमधाम नाल मनाई गई। फरीदकोट विच आजादी दिवस समागम दे विच पंजाब विधानसभा दे डिप्टी स्पीकर अजैब सिंह पट्टी दे वल्लों तिरंगा लहराउण दी रसम अदा की गई ते आजादी दिहाड़े दी सब नूं वधाई दित्ती गई है। इस उपरंत परेड तो सलामी ली गई अते पंजाब दे नाम संदेश दिता अते पंजाब सरकार दीआं चार सालां दीआं प्राप्तियां गिनवाईआं। कोरोना काल दे चलदे संखेप प्रोग्राम तहत अपने खेतर विच वधिया सेवावां निभाउण वालिआं नूं सन्मानित भी कीता गया। अज स्थानक शहीद नवदीप सिंह खेड स्टेडियम दे विच 75वां आजादी दिहाड़ा प्रोग्राम धूमधाम दे नाल मनाया गया। इस समागम दे विच तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा पेंडू विकास अते पंचायत पशु पालन मच्छी पालन डेयरी विकास अते उचेरी सिक्ख्या मंत्री ने मुख मेहमान दे वजो शिरकत की अते राष्ट्रीय झंडा लहराउण दी रसम अदा की गई। इस मौके ते उन्हां दे नाल गुरदासपुर दे विधायक बरिंदर मीत सिंह पाहड़ा डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद इशफाक SSP डॉक्टर नानक सिंह समेत होर कई अधिकारी भी हाजिर सन। पंजाब दे स्थानक सरकारां संस्थी मामले चोणां अते शिकायत निवारण मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने 75वें आजादी दिवस मौके पटियाला विखे राजा भुलिंदर सिंह स्पोर्ट्स कंपलैक्स पोलो ग्राउंड पटियाला विखे तिरंगा झंडा लहराउण दी रसम अदा कीती। अज जिला प्रबंधकी कंपलैक्स बरनाला विखे जिला पद्धरी समागम दौरान कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसरोत दे वल्लों कौमी झंडा लहराया गया। समागम दौरान लोड़वंदां नूं ट्राई साइकल सिलाई मशीनां वंडियां गईआं। आजादी दिहाड़े दे मौके पठानकोट दे स्पोर्ट्स स्टेडियम दे विच कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने तिरंगा झंडा लहराया। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदे होए कहा कि अज पंजाब दा किसान चाहुंदा है कि उसनूं आजादी मिले अते अपनी फसल नूं किसे भी मंडी दे विच वेच सके, इस दे नाल ही फसल दा सही मुल भी हासिल कर सके। इसे करके किसान केंद्र सरकार दे विरुद्ध दिल्ली दीआं सरहदां ते धरने ते बैठे होए ने अते पंजाब अते किसानां दे भविख लई इह तिन्नों काले कानून वापस होने जरूरी ने। फतेहगढ़ साहिब विखे 75वें आजादी दिहाड़े मौके जिला पद्धरी समारोह खेड स्टेडियम सरहिंद विखे कीता गया। इस मौके सहकारिता अते जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कौमी झंडा तिरंगा लहराउण दी रसम अदा की। इस मौके उन्होंने शानदार मार्च पास्ट तो सलामी ली। इस दी अगवाई परेड कमांडर DSP प्रोबेशनर रुपिंदर कौर बाजवा दे वल्लों की गई। इह परेड दे विच पंजाब पुलिस होमगार्ड जेल गार्डन अते माता गुजरी कॉलेज दे NCC दी टुकड़ी भी शामिल हुई। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा वड्डा ऐलान करदे होए कहा कि पंजाब सरकार बस्सी पठाना विखे श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद दे नाल जुड़ी जेल दी करेगी सांभ संभाल। इस मौके जिले दे आजादी गुलाटिया दा विशेष तौर ते सन्मान किया गया अते लोड़वंदां नूं ट्राई साइकल सिलाई मशीना अते व्हीलचेयर वंडे जाण दे नाल नाल वख-वख खेतरां दे विच वधिया कारगुजारी विखाउण वालियां शख्सियतां दा सन्मान भी किया गया। स्थानक शहर की नामवर समाजसेवी संस्था रोटरी क्लब रामा द्वारा 75वां आजादी दिवस बड़े उत्साह पूर्वक मनाया गया। मुख मेहमान दे वजो पुजे रीन कुमार पक्का ने तिरंगा झंडा लहराउण की रसम अदा की अते गणेश पूजन की रसम रामा मंडी दे उगे दानी पुरुष डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता द्वारा अदा की गई। इस मौके रोटरी क्लब रामा द्वारा आए हुए मुख मेहमाना दे फुलां दे हार पा के अते फुलां दा बुक्का भेट करदे हुए विशेष रूप दे विच सन्मानित किया गया। इस मौके रोटरी क्लब रामा दे प्रधान विजय कुमार लहरी अते प्रोजेक्ट चेयरमैन नरेंद्र गोयल ने समूह देशवासियों नूं 75वें आजादी दिहाड़े की बधाई दी। मान्य देशवासियों को 75वें आजादी दिवस का हार्दिक शुभकामना। रोटरी क्लब वालों 75वें आजादी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
स्पेशल थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स श्रीमती चरणजीत कौर टिलोन डायरेक्टर दून पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड करियारवाला रामपुरा फूल श्री गगन बांसल डायरेक्टर माउंट लिटरल हिल स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड रामपुरा फूल श्री कमलेश राव चेयरमैन ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड बठिंडा रोड रामपुरा फूल।